मेटल मेटल आयन हाफ सेल सीधी सी बात ये है कि देख अगर मैं बस अगर ये हाफ सेल है तो मैं सबसे पहले इसको तुम्हें पढ़ाना सिखाता हूं किस पे कैथोड पे पढ़ाना सिखाता हूं अगर मेटल मेटल आयन हाफ सेल तो इतनी बात तो देर से तो चिल्ला रहा हूं कि कोई ना कोई मेटल ही होगा रे या तो ये कहानी हो रही होगी या मैं इसको कैथोड पे पढ़ूं तो मैं ये कह सकता हूं यह कहानी हो रही होगी बात समझ में आ रही है भाई मतलब कि अगर मैं पे पढ़ूं तो क्या क्या हो 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 रहा 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 होगा होगा रे ऑक्सीडेशन और अगर मैं चीज को किस पे पढ़ू कैथोड पे पढ़ू तो क्या हो रहा है भैया यहां पे रिडक्शन हो रहा है रे सिंपल ठीक है ना तो अभी मैंने किसकी चर्चा करी कैथोड की चर्चा करी सबसे पहले मैंने क्या बताया फोटो फोटो ले भैया फोटो ले फोटो क्या होगा सिंपल एक डब्बे में जिंक की रॉड पड़ी होगी और उसी की क्या होगी जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन होगी रे ठीक है ना जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन होगी किसकी रॉड है जिंक की रॉड है अगर मैंने इसको कैथोड पे बनाया है तो कहीं किसी एनोड से क्या होंगे इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे इसके पास बात समझ में आ रही है ना तो सिंपल ये क्या हो गई भैया फोटो हो गई इसका मतलब ये हो गया कि इस डब्बे में अब कौन कौन आयन प्रेजेंट होंगे रे zn2 पॉजिटिव और so4 2 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे और अब देख भाई एक मैं पॉइंट थोड़ा सा मिस करना चाहता हूं मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं कि देख भाई डब्बे में तो zn2 पॉजिटिव भी है और डब्बे में क्या है रे so4 2 नेगेटिव भी है लेकिन ऐसा क्यों है कि zn2 पॉजिटिव ही जो भी मान चल भाई इसकी मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस 2 दो इलेक्ट्रॉन खाएगा जेड एन सॉलिड में जाएगा तो ये क्या हो रही होगी इस पर रिएक्शन हो रही होगी फोटो मैंने बता दी रिएक्शन में बता दी सारा पूरा पहले लेक्चर देखोगे सबको समझ में आ जाएगा बहुत सिंपल है बहुत है है बात समझ में आ रही लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि देख इस डब्बे को अगर तू देखे तो भैया इस डब्बे में क्या है भैया जेड एन टू पॉजिटिव भी टू नेगेटिव भी ऐसा ही क्योंकि जेड एन टू पॉजिटिव ही इलेक्ट्रॉन को खाता है ये नहीं खाता क्यों क्यों नहीं खाता भैया ये इलेक्ट्रॉन्स को सोचो भाई बोलो क्यों नहीं खाता ये इलेक्ट्रॉन्स को इसका सिंपल सा रीजन जो है वो ये है कि अगर यहां पे देखना नहीं अगर एसओ फोर टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खाने लगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव क्या कभी आपस में संबंध बना पाएंगे रिपल्सन की वजह से कभी आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे तो सिंपल सी बात है मेटल मेटल इंसोल्युबल मेटल मेटल आयन जो हाथ से है उसमें क्या होगा सिंपल सल्फेट आयन जो रहते हैं उस भी नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से ये क्या आपस में इंटरेक्शन नहीं कर पाते रिएक्शन होगी कैथोड पे क्योंकि बच्ची सी बात है क्योंकि मैंने सिंपल मैंने किस रिएक्शन पढ़ाई कैथोड में तो जेड एन टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खाएगा और जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा भैया बात समझ में आई रही नहीं आई सिंपल मैंने पहले क्या बताया फोटो बताया दूसरा मैंने क्या बताया रिएक्शन बताया